आज हम आपको एक ऐसे महान क्षत्रिय योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका राज आज के भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैला हुआ था। तो आज हम बात कर रहे हैं महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में। महाराजा गुलाब सिंह जी का जन्म 1792 ईस्वी में जम्मू की देव डायनेस्टी के आखिरी राजपूत महाराजा रणजीत देव सिंह जम्बाल जी के भाई मियाँ किशोर सिंह के घर में हुआ था। उस वक्त जम्मू पर 22 राजपूत रियासतों का राज हुआ करता था। देव डायनेस्टी ने जम्मू पर 1062 से लेकर 1802 ईस्वी तक कठुआ के जसरोटा से लेकर जम्मू पर अपना राज स्थापित किया। पंजाब के आखिरी राजपूत महाराजा जयपल जंजुआ और महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी के बाद पंजाब की राजपूत रियासतें बिखर गई थी। 18वीं सदी में पंजाब पर दिल्ली के मुगलों की हुकूमत थी, लेकिन पंजाब की सभी रियासतें राजपूतों के ही पास थी। उस वक्त राजपूत महाराजा राय बुल्लर भट्टी की दान की गई ननकाना साहब से सिख धर्म की स्थापना हुई। 18वीं सदी में डोगरा राजपूत बंदा सिंह बहादुर की मदद से सिख 50 साल के लिए पंजाब पर काबिज होने लगे थे। पंजाब के रास्ते सिखों ने 1783 ईस्वी में जम्मू की देव डायनेस्टी की राजपूत रियासतों पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद जम्मू की राजपूत रियासत और सिखों के बीच 1808 ईस्वी में गुमट में एक खूनी संघर्ष हुआ, जिसके बाद धोखे से जम्मू की राजपूत रियासत पर सिखों का कब्जा हो गया। इस युद्ध में महाराजा गुलाब सिंह जी ने भी देव डायनेस्टी का साथ दिया था, जो कि उस वक्त केवल 18-20 साल के ही थे। सिखों का जम्मू में दाखिला होते ही सभी जम्मू की 22 राजपूत रियासतों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। सिखों पर रजौरी की जरौल, बिंबर के चिब राजपूत रियासतों के बीच भी काफी युद्ध हुए। उसी वक्त के बीच जम्मू के मशहूर डोगरा राजपूत राजा मियां डीडो जी जगती के राजा बने, जिन्होंने सिखों के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी। मियां डीडो जी को रोबिन हुड ऑफ जम्मू भी कहा जाता है। इसी विरोध को देखते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को अपना जनरल बना लिया था और गुलाब सिंह के भाई मियाँ दयान सिंह को पंजाब का प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो बिल्कुल पंजाब के महाराजा के बराबर थे। रणजीत सिंह ने पंजाब के प्रधानमंत्री मियाँ दयान सिंह जम्बाल को जम्मू में मियाँ क्योंकि डीडो रणजीत के सिंह खिलाफ को लड़ने पता के था लिए भेजा, कि कि एक राजपूत से सिर्फ दूसरा राजपूत ही लड़ सकता है। उस वक्त मियाँ डीडो ने लाखों खालसा सैनिकों को काटकर फेंक दिया था और महाराजा रणजीत सिंह के भाई खड़क सिंह और मियाँ डीडो के बीच कटरा में एक भीषण युद्ध चल रहा था, जिसमें मियाँ डीडो ने रणजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह को देखते ही देखते काट फेंका, जिसके बाद रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को मियाँ डीडो को पकड़ने के लिए जम्मू भेजा, जिसके बाद मियाँ डीडो और गुलाब सिंह आपस में टकरा गए, जिसके बाद मियाँ डीडो की मृत्यु हो गई। महाराजा गुलाब सिंह जी इस मृत्यु से काफी आहत हुए और उन्होंने मियाँ डीडो के पूरे परिवार का खर्च अपने सिर पर उठा लिया। महाराजा गुलाब सिंह जी उस युद्ध के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि उस वक्त सिखों ने हिमाचल की राजपूत रियासतों के साथ भी धोखा करना शुरू कर दिया था। एक बार हिमाचल के कांगड़ा राजपूत रियासत ने महाराजा रणजीत सिंह की मदद मांगी थी, क्योंकि उस वक्त हिमाचल के
कांगड़ा पर चीनियों ने हमला करना शुरू कर दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने मदद तो की, लेकिन बाद में उन्होंने धोखे से कांगड़ा पर भी कुछ समय तक कब्जा कर लिया था, जिसके फलस्वरूप हिमाचल के पहाड़ी राजपूतों और सिखों के बीच बहुत ज़्यादा युद्ध होना शुरू हो गए थे। और दूसरी तरफ जम्मू में भी सिखों का सभी राजपूतों रियासतों द्वारा विरोध होना शुरू हो गया था, जिसको देखते हुए मियां डिडो की मौत के कुछ सालों बाद ही 1822 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अखनूर में महाराजा गुलाब सिंह जी को जम्मू की सभी राजपूत रियासतों का महाराजा बना दिया। राजा बनी वीर साड़ा डोगराया, जियो पत्ते काट मथे तिलक हालाया, जियो पत्ते काट मथे तिलक हालाया, ओ राजा बनी। क्योंकि वो जानते थे कि जम्मू कश्मीर पर सिर्फ राजपूत ही राज करते हैं। जम्मू का राजा बनते ही महाराजा गुलाब सिंह जी और उनके जनरल जोरावर सिंह ने लेह, लद्दाख, गिलगित, बल्टिस्तान और तिब्बत तक के हिस्सों को जीतना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये सभी हिस्से जीतकर डोगरा राजपूत रियासत में मिला लिए। और दूसरी तरफ 1837 ईस्वी में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पंजाब के पीएम राजा ध्यान सिंह ने उनकी पत्नी चांद कौर को पंजाब का महारानी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन इसका विरोध रणजीत सिंह के भाइयों ने ही कर दिया, जिसके बाद 1837 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी तक पंजाब में कोई भी महाराजा नहीं बन पाया। महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी चांद कौर चाहती थी कि पंजाब के प्रधानमंत्री मियां ध्यान सिंह जी पंजाब के महाराजा बने, लेकिन वे पंजाब के महाराजा बनते, लेकिन एक बार जम्मू से लाहौर लौटते हुए मियां ध्यान सिंह को धोखे से सिखों ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद इसकी खबर जम्मू में बैठे उनके बेटे राजा हीरा सिंह को पता चला, तो उन्होंने जम्मू से निकलकर पंजाब में जाकर उन सभी अपराधियों को चुन चुन कर मारा। आज भी पंजाब के लाहौर के आसपास हीरा नगर भी है, जो राजा हीरा सिंह के द्वारा ही बनाया गया था। 1842 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर हमला करना शुरू कर दिया था, और पंजाब के सिखों ने महाराजा गुलाब सिंह को पंजाब का पीएम बनाने का निर्णय लिया, लेकिन गुलाब सिंह ने कुछ ही दिन पंजाब के प्रधानमंत्री के रूप में बिताए और वे कश्मीर के आसपास के इलाकों को जीतने फिर से जम्मू में आ गए। जब वे पंजाब से निकलकर वापस जम्मू आए तो पंजाब पर अंग्रेजों ने हमला करके पूरे पंजाब को अपने अधीन करा दिया। तो इस तरह पंजाब पर अंग्रेजों का पूरी तरह हुकूमत हो गई। उस वक्त जम्मू पूरी तरह आज़ाद था और जम्मू के डोगरा किंगडम ने अपनी सीमाएं ले लद्दाख, गिलगित, बल्टिस्तान तक फैला दी थी। उस वक्त कश्मीर भारत का हिस्सा था, जो कि डोगरा किंगडम में नहीं आता था। उस पर भी अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। जम्मू के राजपूत महाराजा गुलाब सिंह जी ने जम्मू और लेह लद्दाख, गिलगित, बल्टिस्तान को अपने जोर और दम से जीत कर लिया था, और कश्मीर उन्होंने उस वक्त ट्रीटी ऑफ अमृतसर में 75 लाख रुपए देकर कश्मीर को खरीद लिया था। और इस तरह वे भारतवर्ष के सबसे बड़ी रियासत के महाराजा बन गए, जिसकी सीमाएं आज जम्मू कश्मीर, तिब्बत, लेह, लद्दाख, गिलगित, बल्टिस्तान और आज के पीओके तक फैली हुई है। चाइना के कब्जे वाले
तिब्बत पर भी तब राजपूतों का हुकूमत हुआ करती थी, जिसको 1962 में चाइना ने जीत लिया था। पीओके भी इसी राजपूत वंश की हुकूमत में ही आता था। महाराजा गुलाब सिंह एक महान योद्धा हुए। महाराजा गुलाब सिंह की शादी एक सिख जट परिवार में हुई। महाराजा गुलाब सिंह की बीबी का नाम निहाल कौर था, जो बाद में निहाल कौर जम्बाल कहलाई। निहाल कौर महाराजा गुलाब सिंह जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वे उस वक्त एक महान राजपूत योद्धा थे और जम्मू के सबसे महान योद्धाओं में महाराजा गुलाब सिंह का नाम आता है। निहाल कौर और गुलाब सिंह की प्रेम कहानी अमर है। महाराजा गुलाब सिंह के बाद 1822 ईस्वी से लेकर 1947 देश की आज़ादी तक डोगरा राजपूतों ने पूरे जम्मू कश्मीर पर हुकूमत की, जिसके आखिरी महाराजा महाराजा हरि सिंह जी हुए।